हेलो, मेरा नाम निहाल पाटिल है और मैं गोवा से बिलोंग करता हूँ और मैं रूबरू मिस्टर इंडिया का फाइनलिस्ट हूँ और कल शाम मुझे लुक ऑफ द ईयर का किताब मिला है। मैंने इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स किया है डेम्पो कॉलेज में जो है बाम्बोलिम में और मेरे मॉम और डैड पुलिस सेक्टर में है, गोवा पुलिस में। सो फ्रॉम देम लाइक आई हैव बीन ऑलवेज डिसिप्लिन काइंड और हम्बल और आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर मिस्टर इंडिया 2022 मैंने तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट की है। तभी से मैंने हार्डवर्क स्टार्ट किया है और उससे पहले भी आई हैव स्टार्टेड माय मॉडलिंग करियर फ्रॉम 2019, दैट इज़ फ्रॉम मिस्टर गोवा 2019 और उधर मुझे मिस्टर फोटोजेनिक 2019 का किताब मिला था। सो फ्रॉम देयर आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी। सो मैं गोवा में एड शूट्स, यूट्यूब वीडियोज़ और म्यूज़िक वीडियोज़ करता हूँ। मैंने ऑडिशन के लिए अप्लाई किया था तभी से मैंने मेरा हार्डवर्क और एवरीथिंग डाइट, न्यूट्रिशन सब स्टार्ट किया था। बाद में सिलेक्शन होने के बाद माई प्रेपरेशन स्टार्टेड मोर टफ एंड एवरीथिंग, प्रॉपर डाइट, कैलोरीज, प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करने लगा मैं। पर्सनल ट्रेनिंग लिया हुआ था। सो फ्रॉम 3 मंथ्स आई वॉज ऑन अ प्रॉपर डाइट और यस, बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है क्योंकि डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट लड़के हैं और दे आर ऑल गुड इन देयर ओन टैलेंट और सब में अच्छे हैं। सो हाँ, बोल सकते हैं कि कोई भी हो सकता है रूबरू मिस्टर इंडिया का विनर इस बार। नाउडेज हाँ, अभी गोवा थोड़ा अभी हो रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है अभी मॉडलिंग एक्टिंग में। हमारे गोवा के यूथ भी अभी आगे बढ़ रहे हैं और गोवा इज़ गेटिंग नाउ मोर एक्टिव इन मॉडलिंग सेक्टर्स ऑल्सो। सो मैं भी ये चाहता हूँ कि मिस्टर इंडिया का टाइटल लेके मैं भी गोवा का नाम रोशन करूँ और हाँ, यही मेरा एक गोल है। थैंक यू सो मच फॉर सास बहु बेटिया कि ये रूबरू मिस्टर इंडिया का सब इवेंट वो कवर कर रहे हैं और दिन रात यहाँ पे रह के सभी इवेंट्स को वो कवरेज कर रहे हैं और हमारे फैमिली में सब लोग आज तक सास बहु बेटिया देखते हैं और होप थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो आप लोग हमारे कर रहे हैं। आम सगले गोयेकर देव बोरे करूँ आणि सुशेगाद रावपाचे।